आधा लीग तो खत्म हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि शुरू शुरू में हमारा डिफेंस और ऑफेंस ये सेट नहीं हो पा रहा था, अभी सेट हुआ है धीरे धीरे। तो अभी आने वाले जो आधा लीग है वो हम बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे। हमारे टीम में जो कमी थी एज अ प्रदीप जय, नितेश, सुमित, ये लोग जैसा थोड़ा उनमें जो कमी थी उन्होंने हमारे कोचेस पीछे लगे लग के हमारा उसमें हौसला बढ़ाया है और मोमेंट भी चेंज किया है। तो आने वाले मैचेस में हम लोग अच्छे से अच्छा करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। जो शुरू में गलतियाँ हुई उन्हें भुला के उन गलतियों को दूर करके हमने जो पिछले चार पांच मैच का देखेंगे हम तो चार मैच में तीन मैच जीते हैं, एक ड्रा हुआ, तो वो कमबैक जो करा वो काफ़ी पॉजिटिव है टीम के लिए। इस समय लीग की सभी टीमें बराबर हैं, 19-20 हैं, सभी टीम बराबर हैं, किसी को ये नहीं माना जाता कि वो टॉप पे है या वो लो में है, कोई सी भी टीम जीत हार हो सकती है। तो टीम बहुत ही अच्छी है, इस बार जो टूर्नामेंट हो रहा है, लीग जो हो रहा है उसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छा है। जब कोच साहब मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस तो मेरा होगा ही और मैं उसे टीम में मतलब करके दिखाऊंगा, अच्छा करूंगा। बबुल के बारे में बोला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बट बुरा भी बहुत लग रहा है क्योंकि दो साल से लीग नहीं हो पा रहा था, इस बार लीग हो रही, कोरोना के इसमें भी लीग हो रही तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट हम लोग ये मिस कर रहे हैं कि फैंस और घर वालों को, फ्रेंड्स को, इस सबको मिस कर रहे हैं। देखो यहाँ आने के बाद तो वैसे तो जो शुरू के मैच छोड़ दें तो बाकी पूरी टीम नहीं है, सभी में इम्प्रूवमेंट है। जो गलतियाँ वो कर रहे थे शुरू में उनमें काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कराया है और उसका फ़ायदा भी हमें मिला। उसके अलावा अगर इंडिविजुअल प्लेयर की बात करूँ तो जैसे गिल है, गिल ने काफ़ी जो उम्मीद तो उससे बहुत ज़्यादा थी इस बार, पहले से ही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि अकेडमी में काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके भी आगे जाके वो कर रहा, गिल भी अच्छा कर रहा है। प्रदीप जो शुरू में थोड़ा इंजरी की वजह से फॉर्म में नहीं था उसने भी काफ़ी कम बैक करा, वो भी अच्छा कर रहा है। नितेश, ओवरऑल मतलब पूरी टीम ही एकजुट होकर खेल रहे हैं पूरे। देखे जो कैंप में जो प्रैक्टिस किया उससे जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन किया। जो कैंप में लगातार या जैसे एकेडमी हमारी खुली हुई है उस एकेडमी में वो किया और खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई। जैसे सुरेंद्र गिल है वो पहले बोनस नहीं करता था तो उसके प्रयास पे लगे रहे, हम बोनस कराया। श्रीकांत यादव है वो बोनस नहीं, बहुत कम करता था, अटैकिंग प्लेयर था लेकिन उसने बोनस करना शुरू किया तो वो अच्छा हुआ। प्रदीप नरवाला दो साल बाद मैट पर उतरा था तो उसमें उसकी फेवरेट थी डुबकी, लेकिन सभी ऑल टीम्स जो हैं डुबकी को रोकने के लिए अपनी प्लानिंग बना रहे तो उस पर भी हमने फिर काम किया टर्निंग का, तो वो सक्सेस हुआ। अनुरोध करता हूँ सभी यूपी योद्धा टीम के फैंस को कि आप हमारी टीम को अधिक से अधिक लाइक करें, हम आपको निराशा नहीं होने देंगे, हम जो आप आशा कर रहे हैं हम उसको पूर्ण रूप से, हमारी टीम अच्छी खेलेगी और आपको अच्छे मुकाम पर खेल देखने को मिलेंगे।